संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये भ्रष्टाचार पर वार है या सियासी औजार? यशवर्धन आजाद, पी काइडन एक मशहूर लेखक थे, वो कहते थे करप्शन इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ एंड करप्शन इज अ वे ऑफ लाइफ। जिंदगी की हकीकत तो है पर जिंदगी जीने का तरीका बन जाए, ये कड़वी हकीकत है क्या आज भारत की? हम भ्रष्टाचार पर वार की तो बड़ी बात कर रहे हैं। देखिए संदीप जी, याद रखिए जो मैं कह रहा हूं, भ्रष्टाचार आज हमारी राजनीतिक और प्रजातांत्रिक प्रणाली का एक अभिन्न अंग बन चुका है और वर्तमान के प्रयासों से जो हम देख रहे हैं इसका उन्मूलन कभी नहीं हो सकता। इसके लिए ये भ्रष्टाचार की लड़ाई इस तरीके से नहीं लड़ी जानी चाहिए, यशवर्धन आजाद ये कह रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जनता की राय, ईडी की कार्रवाई पर क्या है आपकी राय, अब वो भी साझा कर लूं। अनिल सक्सेना है, यूपी ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। ये भ्रष्टाचार पर वार है और भ्रष्टाचारियों की असल जगह जेल ही है। जबकि एक और दर्शक है राजेश, सीतामढ़ी बिहार से, वो कहते हैं कि चुनाव में फायदे के लिए रंजिश के तहत विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई की गई है, तो निष्पक्ष कार्रवाई कब होगी? सही मायने में नकेल कब कसी जाएगी भ्रष्टाचार पर? देश को है इसका इंतजार। नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।